भैया, ये जो रेड व्हाइट के दक्षिणी छोर पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, वो है DJFC। चलिए, दोनों ही दल में एक शेर एक सवा शेर, प्रथम चक्र में भी एक शेर और एक सवा शेर का खेल का नजारा प्रस्तुत किए थे। अब तो बाप से बड़ा बेटा का नजारा प्रस्तुत हो रहा है। एक तरफ उत्तरी छोर पर बड़े भैया मांझा जी उपस्थित है और ठीक दक्षिणी छोर पर उनके लाडला भाई जादव जी उपस्थित है। लेकिन बाप से बड़ा बेटा, अब तो देखना पड़ेगा इस खेल में, इस ऐतिहासिक ग्राउंड में, त्रिनेत्र बाईपास स्पोर्टिंग क्लब के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर कौन सा दल अपने आंखों देखा हल। हमारे अमरदेव जी, आप दर्शक के बीच में आंखों देखा हाल रखें। जी बिल्कुल, सहयोग के लिए धन्यवाद के पात्र है रुपेश जी, काफी समय से जुड़े आप सबों के सामने, अभी चले आए हैं हम अमरदीप महतो। हेलो, हमारे लाउड स्पीकर के संचालक महोदय, बॉक्स हेड यानी लाउड स्पीकर के संचालक महोदय, आप थोड़ा आकर हमसे भेंट करेंगे, अति आवश्यक काम हो रही है। लाउड स्पीकर के जो संचालक महोदय है, आप थोड़ा मंच के बाईं साइड में जो टीम है, ये अभी स्पोर्टिंग क्लब सीली DJFC, दोनों ही टीमों के बीच अमरदीप जी, दोनों ही टीमों के बीच अपने सही फरमाया पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटा को ही जो है बड़ा भी बनना पड़ेगा, जगह लेके कभी कभी बड़ा भी प्लेयर खा जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है बड़ा और छोटा नहीं, यहाँ टोटल बराबर है। और इसके जो पहले वाली उसके पास क्षमता है घनश्याम मुर्मू, खैर कोई बात नहीं, जीत तो हासिल करी ही उन्होंने अभी तक। इस सर, आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि अगर 45 मिनट की अगर मैच होती तो कहीं ना कहीं RRFC जो है वापसी जरूर कर पाती, क्योंकि उस प्रकार से मैच ही चल रहा था। मैं थोड़ी सी किनारे से देख रहा का समावेश हुआ है, तो अभी तक अगर देखें सेकंड राउंड का मैच में कोई भी दल से कोई भी परिणाम सामने नहीं आई है, कोई भी दल जो है अभी तक स्कोर बीच जो तकरार होती रहती है, इसके बीच में कुछ फुटबॉल मैच को अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए और ना कि एक दूसरे जो विपक्षी दल के खिलाड़ी होते हैं, जो भी होते हैं वो किसी के पक्ष में नहीं होते हैं, वो दोनों के लिए बराबर।
क्योंकि आप अगर उनसे उलझते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा सम्मानित नहीं किए जाएंगे उस सिचुएशन में। नहीं, रेफरी तो अपना डिसीजन देंगे ही रूल्स के मुताबिक। और यह दंडनाता हुआ शॉट, वाह, तारीफ तो करनी होगी अगर बार नहीं रहती। जैसे 1800 कुछ साल ईस्वी की बात है, पहले बार नहीं हो सकती है पोल में, क्योंकि ये नाप के बनाया गया है। जी बिल्कुल, और ये सटीक शॉट मान कर किए थे। और नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट प्रयास करना ये सबसे बड़ी जरूरी वाली बात होती है, क्योंकि बगैर प्रयास के कोई चीज होने वाली नहीं है। और इसके बाद जो मैच होगी, और ये ज्यादा तैयारी अवस्था में रहेंगे। मैं हमेशा देखिए, तो इसको जो आपको फॉलो जरूर करना ही होगा, क्योंकि आपसे मिसेज नहीं बोल सकता, लेकिन फुटबॉल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक रेफरी अपने जगह पर सही रहते हैं, क्योंकि हर जगह में दर्शक से लेकर अन्य व्यक्ति डिसीजन देते हैं, लेकिन लगता है इन्हें कि ये मेरे पक्ष में नहीं दिया, वो खिलाड़ी सोचते हैं मेरे पक्ष में नहीं दिया, तो ऐसी बात होती रहती है। अमरदीप जी, जी बिल्कुल, तो बड़ा भाई और एक छोटा भाई यहाँ पर मौजूद है इस मैच में, तो बड़ा भाई चाहे छोटा भाई किसी न किसी एक को तो अगर गोल कर पाते हैं तो एक टीम ही जीतेगी। नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं अगला मैच को एक बार बुलाना चाहेंगे। इसके बाद भी आपका जो है मैच शुरू होगी, तो आप बिल्कुल अनुशासन पूर्वक चले आएंगे टच लाइन के करीब। और अमरदीप जी बुलाना चाहेंगे थर्ड राउंड का पहला मैच खेलने के लिए भी, मतलब तैयारी अवस्था में। जी जी, सोए दिशम हॉन को वर्सेस शून्य शून्य पर मुकाबला चलता हुआ। दर्शकों को काफी उम्मीद थी कि ये दोनों टीमें गोल कर लेकिन वही डिफेंडर मौजूद, ये महेंद्र